भी अब आदमी 24-25 साल के नहीं खत्म है, 28 साल के अगर साइंस से है वो पहले। लेकिन लाइसेंस हो जाते कि तुम डॉक्टरी लाइन में हो, वैसा MBBS उसका जो होता है, फिर ऑपरेशन के भी चक्कर में वो आ जाते हैं, जो ऑपरेशन के लिए बनते हैं, जिनके एक घंटा की कीमत होती है। बड़ी गाड़ी लेके आए हैं, छोट लाने पर बड़ी आई अरमान लेके। अभी एक MDNS का एक डॉक्टर है वहाँ लखनऊ में, अपने भाई का हाथ गया था दिखाने, मुसलमान ही डॉक्टर है, 800 रुपया फिक्स है एक पेशेंट। लखनऊ में कहाँ एरिया में भूल गया, 800 रुपया फीस है, अब समझ लो कि कुछ नहीं तो पूरे दिन से और शाम 8 बजे तक बैठ। लेकिन बहुत एरिया जो है अस्पताल बहुत हाई फाई एरिया में, यहाँ हमारे गांव का लड़का था एक गया है वहाँ पे, बता रहा था बहुत बड़ा लखनऊ में सबसे बड़ा हाई है, 800 रुपया बताओ का फीस रहा। हाँ और सुनो पूछना तो दिन भरे में 200 पेशेंट देखा था अस्पताल में, क्या मैं वही वो अरे क्या एक हफ्ता पहले 15 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेके नाम दिखाई पड़ता है। हाँ और वहाँ का खाना वाना अगर जो पेशेंट के साथ कोई आदमी जैसे उनके परिवार हैं तो खाना वाना सब फ्री देते हैं। हाँ तो हॉस्पिटल ही थी पूरा फ्री खाना, मतलब वो अलग ही अलग ही हिसाब किताब का लेवल है। वहाँ गए रहे हो हमारे साथ तो उनका जवाब दे दीजा हम, तो आँख क्या रहता है डॉक्टर समझा काम ही नहीं करता पा मुझे, यहीं से नस फ्लो कर रहा है, यहाँ से ही नस फ्लो बहुत बड़ा अस्पताल है कि दिन भर में कुछ नहीं तो 200 पेशेंट वो देखता है। और इतना ना खाली आप प्रॉब्लम क्या आई है, सीधा जाँच लिखे दी उसके बाद तू जाओ फिर कल ही आयो, वहीं 800 रुपया पहले दे दो वहाँ फिर काउंटर जमा कर दो, अब अगर कमाई दिन भर एक जोड़ लो 800 रुपये के हिसाब से 200 आदमी देखी तो कितना पैसा हो गया, खाली उनकी पढ़ाई का पैसा, ना उनको दवा देना है ना कुछ, बस खाली पढ़ाई दवा लगा हुआ है, 1.5 लाख रुपया कमाई है बैठे बैठे। अब जिसमें उनकी ज़्यादा ज़्यादा कंपाउंडर का और उसके बाद में सर्विस का जो है अंदर का जो नंबर है वो सब